नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र प्रसाद और इस समय आप मेरे चैनल राज फोटोटेक को देख रहे हैं। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे किसी कलर इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसी कलर इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में बदलना एक कला है, क्योंकि यहाँ हम ही यह निर्धारित करते हैं कि ग्रे स्केल में कलर्स को कैसे बदला जाए। यह ठीक है कि अगर आप किसी इमेज को लें और उसकी सैचुरेशन को कम कर दें तो वह इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में बदल जाएगी, पर उसमें कोई कलाकारी नहीं है। फोटोशॉप में कलर इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में बदलने के अनेकों तरीके हैं और इस ट्यूटोरियल में हम उनकी तुलना करके देखेंगे कि कौन सा तरीका बेहतर है और क्यों। लगभग हर कैमरे में ही ब्लैक एंड व्हाइट इमेज शूट करने का ऑप्शन रहता है, लेकिन कैमरे के अंदर ही ब्लैक एंड व्हाइट बना लेने से बहुत ही हानि है, क्योंकि कन्वर्सन के दौरान कैमरा इमेज के सभी कलर इन्फॉर्मेशन को हटा देता है और हमें 16 बिट रॉ इमेज की जगह एक 8 बिट कंप्रेस्ड जेपेग इमेज मिलती है। इसलिए हमेशा कैमरे से कलर इमेज को ही खींचें और बाद में उसे फोटोशॉप में ब्लैक एंड व्हाइट में बदलें। मैंने पहले से ही एक रंगीन तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट में बदलने के लिए स्क्रीन पर खोल रखी है। इसमें कई रंगों के स्क्वायर्स और सर्कल्स हैं तथा एक पोर्ट्रेट भी है, जिससे हमें ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्सन मेथड्स के खूबियों और खामियों को परखने में आसानी होगी। पहले हम ह्यू एंड सैचुरेशन मेथड से इस तस्वीर को ब्लैक एंड व्हाइट में बदलेंगे। F7 दबाकर लेयर पैनल को खोल लें। लेयर पैनल के नीचे बीच में आपको एक सर्कुलर आइकॉन दिखेगा जो कि हाफ ब्लैक और हाफ व्हाइट है। यह एडजस्टमेंट लेयर का आइकॉन है, इसे क्लिक करें और आपको एडजस्टमेंट की एक लिस्ट दिखाई देगी। इसमें ह्यू एंड सैचुरेशन को सेलेक्ट कर लें। अब ह्यू एंड सैचुरेशन पैनल में सैचुरेशन स्लाइडर को पूरी तरह बाईं ओर ड्रैग कर इमेज को डीसैचुरेट कर लें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में बदल गई है, पर इमेज में अब क्या सर्किल्स और स्क्वायर्स को आप देख सकते हैं? नहीं, आप उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी जगह पर केवल ग्रे कलर है। ऐसा इसलिए हुआ है कि उनका रंग तो अलग अलग था, पर उनका टोनल कंट्रास्ट समान था, इसलिए सभी एक ही टोन के ग्रे स्केल में बदल गए हैं और उन्हें अलग अलग पहचानना मुश्किल हो गया है। इसलिए इस उदाहरण से ही आप समझ गए होंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्सन का यह एक आदर्श तरीका नहीं है, इसलिए जहाँ तक हो सके इसे उपयोग में न लाएं। दूसरे ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्सन का जो तरीका हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वह है ग्रे स्केल। इसके लिए इमेज मेनू को खोलकर मोड पर क्लिक करें और ग्रे स्केल को सेलेक्ट कर लें। फोटोशॉप आपसे पूछेगा कि क्या आप इमेज के कलर इन्फॉर्मेशन को हटा देना चाहते हैं। आप ओके दबा दें और आप देखेंगे कि आपकी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में बदल गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह तरीका ह्यू एंड सैचुरेशन से बेहतर है, क्योंकि यह टोनल ग्रेडेशन को भी दे रहा है, पर मैं इसे इस्तेमाल में नहीं लाने की सलाह दूंगा, क्योंकि यह इमेज के मोड को ही ग्रे स्केल में बदल देता है और इमेज की कलर इन्फॉर्मेशन गायब हो जाती है। इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट बदलने का यह एक आदर्श तरीका नहीं है। आइए अब तीसरे ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्सन के तरीकों को देखते हैं, और वह है लैब कलर मोड। इसके लिए इमेज मेन्यू को खोलें और मोड पर क्लिक करें और यहाँ पर लैब कलर मोड को चुन लें। अब विंडो मेनू को खोलें और इसमें चैनल्स पैनल को क्लिक करके खोल लें। चैनल्स पैनल में आप लाइटनेस चैनल पर क्लिक कर दें और उसे सेलेक्ट करें। आपकी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में बदल जाएगी। यह तरीका जो ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्सन करता है वह मैथमेटिकली सही होता है, पर इस मेथड की दो खामियां हैं। यह हमें ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्सन के दौरान अलग अलग रंगों के टोन्स को मन मुताबिक परिवर्तन करने का कोई विकल्प नहीं देता है और तस्वीर के मोड को ही लैब कलर में बदल देता है, जिससे कि बाद में हमें फिर इसे RGB मोड में बदलना पड़ता है। और यह बात तो आप जानते ही होंगे कि कलर मोड्स में बदलने से इमेज की क्वालिटी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चौथा तरीका जो हम इस्तेमाल में लाने जा रहे हैं वह है ग्रेडियंट मैप।
ग्रेडियंट मैप टूल ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के ब्राइटनेस वैल्यू के ग्रेडियंट को मैप करता है। यह डार्क एरियाज को ब्राइटनेस के अनुसार ब्लैक या डार्क ग्रे में बदल देता है और उसी तरह लाइट एरियाज को वाइट या लाइट ग्रे में बदल देता है। महान लैंडस्केप फोटोग्राफर एंसल आडम द्वारा बताए हुए 10 जून सिस्टम की तरह यह इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में बदलता है। एडजस्टमेंट लेयर्स को खोलें और उसमें ग्रेडियंट मैप पर क्लिक करके उसे चुन लें। अब ग्रेडियंट्स में से ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट को चुनें, बस आपकी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में बदल जाएगी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अगर आप इसे लैब कलर कन्वर्सन से तुलना करें तो यह थोड़ा अच्छा ही टोनल ग्रेडेशन देता है, जिसका अंदाज आप स्क्रीन पर दोनों कन्वर्सन की तुलना करके देख सकते हैं। यह एक तेज और आसान तरीका है। यह एक नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीका भी है क्योंकि आप एडजस्टमेंट लेयर का यूज करते हैं, पर इसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्सन पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है, पर यह जल्दी से आपको ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्सन देता है, इसलिए यह पहले कन्वर्सन से एक बेहतर तरीका है। अब जिस पांचवें तरीके को हम देखने जा रहे हैं वह ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट है। यह एडजस्टमेंट पहली बार फोटोशॉप के CS3 वर्सन में दिया गया। उसके पहले के वर्सन्स में यह आपको नहीं मिलेगा। एडजस्टमेंट को खोलें और यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट को चुन लें। आपकी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में बदल जाएगी। यहाँ आपको एक ऑटो ऑप्शन भी मिलता है जिसे क्लिक कर दें। यह आपको वैसी ही ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देगा जैसा फोटोशॉप टेक्निकली सही समझता है। ब्लैक एंड व्हाइट पैनल के ऊपर आपको बहुत से ब्लैक एंड व्हाइट प्रीसेट्स भी मिलेंगे। फिल्म फोटोग्राफी के समय फोटोग्राफर्स भिन्न तरह के कलर फिल्टर्स का उपयोग कर अपनी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के टोनल ग्रेडेशन को संभालते थे। उन सभी फिल्टर्स के इफेक्ट को आप अपनी तस्वीर में यहाँ से भी दे सकते हैं। आइए मैं आपको एक एक कर इन प्रीसेट पर क्लिक करके दिखाऊं कि ये इमेज के टोनल ग्रेडेशन पर कैसा प्रभाव डालते हैं। जैसे कि पहला है ब्लू फिल्टर, इसका इफेक्ट देखें। उसी तरह मैं दूसरे प्रीसेट पर क्लिक करता चल रहा हूँ, आप उनका इफेक्ट देखते चलें। यह है डार्कर, ग्रीन फिल्टर, हाई कंट्रास्ट, ब्लू फिल्टर, हाई कंट्रास्ट रेड फिल्टर, इंफ्रारेड, लाइटर, मैक्सिमम ब्लैक, मैक्सिमम व्हाइट, न्यूट्रल डेंसिटी, रेड फिल्टर और अंत में येलो फिल्टर। ब्लैक एंड व्हाइट पैनल में आपको 6 कलर स्लाइडर्स भी मिलेंगे। इन्हें बाएं या दाहिने स्लाइड कर आप किसी कलर के टोन को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहां करके दिखा रहा हूं। लेकिन आप जल्दी ही यह महसूस करेंगे कि इन स्लाइडर्स का इस्तेमाल प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर को ऑन करते हैं इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में बदल जाती है। अब किसी जगह के टोन को डीप या लाइट करना हो तो आप किस स्लाइडर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपकी इमेज तो ब्लैक एंड व्हाइट में बदल चुकी है, उस जगह के कलर को आप कैसे जानेंगे। फोटोशॉप यूजर्स ने अपनी यह समस्या एडोबी को बतलाई। तब एडोबी ने एक नए एक्साइटिंग टारगेटेड एडजस्टमेंट टूल को ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट पैनल में जोड़ दिया। टारगेटेड एडजस्टमेंट टूल ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट पैनल के ऊपर बाईं तरफ रहता है। इसे प्रेस कर इसे एक्टिवेट कर लें। इस टूल को तस्वीर के किसी हिस्से पर क्लिक करके अगर बाईं ओर आप ड्रैग करेंगे तो माउस के नीचे तस्वीर का वह हिस्सा डार्क हो जाएगा, और अगर आप उसे दाहिनी ओर ड्रैग करेंगे तो वह हिस्सा लाइट हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको यहां करके दिखा रहा हूं।
ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट टूल बहुत ही पावरफुल है। इसके पावर को दिखाने के लिए मैं अब सभी स्क्वायर और सर्किल के टोन को व्हाइट करके दिखा रहा हूं। अब मैं सभी स्क्वायर्स और सर्किल को ब्लैक करके दिखा रहा हूं। अब शायद मुझे इस टूल के पावर को आपको दिखाने की जरूरत नहीं। आज प्रोफेशनल्स का यह पसंदीदा टूल है और मेरे विचार से भी यह ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्सन का एक अच्छा तरीका है। मैंने बहुत से फोटोग्राफर्स को यह शिकायत करते सुना है कि डिजिटल ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में उन्हें वह कंट्रास्ट और ब्लैक टोन नहीं मिलता है जो कि फिल्म के ज़माने में ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पर मिला करता था। उन फोटोग्राफर्स के लिए मैं यह लास्ट ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्सन मेथड दिखा रहा हूँ और यह मेथड है कैलकुलेशन। यह ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्सन का एक बहुत ही पावरफुल मेथड है और इसका इस्तेमाल तभी करें जब और मेथड्स के रिजल्ट आपको पसंद न आए। कैलकुलेशन मेथड इमेज के दो RGB चैनल्स को लेता है और उन्हें ब्लेंडिंग मोड्स की मदद से जोड़कर एक ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्सन बनाता है। इसे दिखाने के लिए मैं एक बूढ़ी औरत के इमेज को खोल रहा हूँ और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना रहा हूँ। अब मैं एक इमेज को ग्रेडियंट टूल की मदद से ब्लैक एंड व्हाइट में बदल रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन मेथड से उसकी तुलना हम कर सकें। अब इमेज मेनू को खोलें और कैलकुलेशन ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आपकी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट में बदल जाएगी। कैलकुलेशन पैनल में सोर्स 1 और सोर्स 2 में आप ब्लैक लेडी इमेज को ही देखेंगे। अब ब्लेंडिंग मोड लिस्ट को खोलें। यहाँ आप किसी भी ब्लेंडिंग मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ओवरले, हार्ड लाइट, डार्केन या मल्टीप्लाई मोड ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। मैं यहाँ मल्टीप्लाई को चुन रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इमेज डार्क और कंट्रास्टी हो गई है। अब सोर्स 1 में डिफरेंट चैनल्स पर क्लिक करके आप उनका इफेक्ट देखें। इसी प्रकार चैनल 2 में भी डिफरेंट चैनल को यूज करके देखें। एक्सपेरिमेंट करें कि सोर्स 1 और सोर्स 2 में किन चैनल का कॉम्बिनेशन अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट देता है। आप उसे चुन लें। आप ओपेसिटी स्लाइडर से भी इस इफेक्ट को कम कर सकते हैं। अब रिजल्ट में न्यू चैनल चुनकर ओके बटन को दबा दें। अब विंडो मेनू को खोलें और उसमें चैनल्स पर क्लिक करके चैनल्स पैनल को खोल लें। यहाँ आपको एक नया अल्फा चैनल दिखाई देगा, इसको क्लिक करें। अब कंट्रोल ए दबाकर इसे सेलेक्ट कर लें और उसके बाद कंट्रोल सी दबाकर इसे कॉपी कर लें। अब इमेज में जाएं। अब फाइल मेनू में जाकर रिवर्ट बटन को क्लिक कर दें जिससे कि आपकी इमेज पहले वाले कलर स्टेट में आ जाएगी। अब कंट्रोल भी दबाकर इस पर अल्फा चैनल को पेस्ट कर दें। आपकी इमेज कैलकुलेशन द्वारा बनाई गई ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में चेंज कर जाएगी। अब इस इमेज को और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए कर्व्स को चुनेंगे। इसके लिए एडजस्टमेंट लेयर में कर्व्स पर क्लिक करें, उसे चुन लें। इससे इमेज को ब्राइट और कंट्रास्टी बनाएं, जैसा कि मैं यहाँ करके आपको दिखा रहा हूँ। अब इमेज को ग्रेडियंट द्वारा ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्सन इफेक्ट से तुलना करके देखें कि कितना दोनों में अंतर है। क्या आप अब भी संतुष्ट नहीं हैं? तो शायद आप लिथ फिल्म ऐसी कंट्रास्ट चाहते हैं। यह इफेक्ट भी पॉसिबल है। आप कंट्रोल जे बार बार दबाकर कर्व्स की डुप्लीकेट कॉपी बनाते चले जाएं। ऐसा कितनी बार करें जब तक कि आपको मन मुताबिक कंट्रास्ट न मिल जाए।
आशा है यह ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य ट्यूटोरियल्स को पाने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगले ट्यूटोरियल में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन मंगलमय हो। आशा है यह ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकॉन को दबा दें। इस अंक में इतना ही। अब नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड बाय फॉर नाउ।